हेलो फ्रेंड्स, एन के ऑनलाइन टेक्निकल के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए एक और न्यू स्मार्टफोन का कंपैरिजन करेंगे और आपके लिए देखने को मिल जाएगा कि कौन सा बेस्ट फोन होगा और उसका स्पेसिफिकेशन और क्या सिमिलर फीचर और क्या डिफरेंट स्पेसिफिकेशन दोनों फोन में देखने को मिल जाएगा। बात करने वाले हैं दोस्तों रेडमी नोट 10 प्रो और मी 11 लाइट दोनों फोन का। एक कंपैरिजन करने के बाद आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन हो सकता है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक आया है तो विदाउट स्किप वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आपके लिए कौन सा बेस्ट है फोन होगा आपको ये स्पेसिफिकेशन देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन दोनों ही फोन में देखने को मिलेगा। बात कर ले दोस्तों रेडमी नोट 10 प्रो का, तो आपको बात कर ले फ्रेंड्स डिस्प्ले का, तो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और बात कर ले फ्रेंड्स आपको डिस्प्ले साइज का, तो 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और एस्पेक्ट रेशियो का बात कर ले तो 20:9 देखने को मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाएगा। और ब्राइटनेस का बात कर ले तो आपको 1200 यूनिट्स देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले मी 11 लाइट में तो आपको देखने को मिल जाएगा एमुलेट डिस्प्ले और 6.55 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और बात कर ले एस्पेक्ट रेशियो का तो आपको देखने को मिल जाएगा 20:9 देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाएगा। और ब्राइटनेस का बात कर ले तो आपको 800 यूनिट्स देखने को मिल जाएगा। बात कर ले फ्रेंड्स परफॉर्मेंस एंड चिपसेट का, तो आपको चिपसेट दोनों ही फोन में आपको सेम देखने को मिल जाएगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट के साथ दोनों ही फोन देखने को मिल जाएगा। और बात कर ले फ्रेंड्स आपको सीपीयू का, तो आपको ऑक्टा कोर 2.3 GHz डबल कोर के साथ दोनों ही फोन देखने को मिल जाएगा। और वही बात कर ले फ्रेंड्स आपको आर्किटेक्चर का, तो आपको 64 बिट्स देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन में आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा। फैब्रिकेशन का बात कर ले तो 8 नैनोमीटर के साथ दोनों ही फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर ले फ्रेंड्स ग्राफिक्स का, तो आपको देखने को मिल जाएगा एड्रॉन का 618, दोनों ही फोन में आपको सिमिलर देखने को, यहाँ कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिल जाएगा। बात कर ले फ्रेंड्स रैम का, तो आपको 6 GB वेरिएंट के साथ दोनों ही फोन आपको देखने को मिल जाएगा। और बात कर ले फ्रेंड्स रैम टाइप का, तो आपको LPDDR4X देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स परफॉर्मेंस में। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसका स्टोरेज का, तो दोनों ही फोन 128 GB स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगा। और बात कर ले फ्रेंड्स आप इसमें मेमोरी एक्सपेंड कर पाएगा या नहीं, तो दोनों ही फोन में आप 512 GB तक मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं। और बात कर ले फ्रेंड्स स्टोरेज टाइप का, तो UFS 2.2 देखने को मिल जाएगा दोनों ही फोन में, आपको यहां पर कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बात कर ले फ्रेंड्स कैमरा का, तो आपको रेडमी नोट 10 प्रो में आपको देखने को मिल जाएगा क्वाड सेटअप कैमरा देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले मी 11 लाइट में, तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। वही रेडमी नोट 10 प्रो का बात कर ले तो आपको देखने को मिल जाएगा कितना मेगापिक्सल का कैमरा, तो बात कर लेते हैं तो आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा वाइड एंगल के साथ देखने को मिल जाएगा। सेकंड कैमरा का बात कर ले तो 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले थर्ड कैमरा का, तो आपको देखने को मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आपको माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले फोर्थ कैमरा का, तो आपको देखने को मिल जाएगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले दोस्तों मी 11 लाइट में, तो आपको 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात कर ले सेकेंड कैमरा का, तो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले थर्ड कैमरा का, तो आपको 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। वही बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपको बैक रियर साइड में दोनों ही फोन के फ्लैश देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको फ्रंट कैमरा का, तो आपको दोनों ही फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते फ्रेंड्स आपको क्या क्या कैमरा फीचर देखने को मिलेगा, तो आपको दोनों ही फोन में आपको फेस डिटेक्टेड, डिजिटल जूम, टच टू फोकस और आपको ऑटो फ्लैश का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात कर ले फ्रेंड्स बैटरी का, तो आपको रेडमी नोट 10 प्रो में आपको देखने को मिल जाएगा 5020 mAh का बैटरी। वही मी 11 लाइट में आपको देखने को मिल जाएगा 4250 mAh का बैटरी। और बात कर ले फास्ट चार्जिंग का, तो दोस्तों आपको क्विक चार्जिंग 33 वाट के साथ आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगा। और बात कर ले टाइप सी केबल के साथ दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगा।
और बात करें फ्रेंड्स ऑडियो जैक का, तो आपको रेडमी नोट 10 प्रो में आपको 3.5 mm का देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले मी 11 लाइट में आपको वही यूएसबी टाइप सी देखने को मिल जाएगा। बात कर ले फ्रेंड्स फिंगरप्रिंट का, तो दोनों फोन में आपको साइड फिंगर माउंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, दोनों फोन में। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपको प्राइस का, बात कर ले फ्रेंड्स प्राइस का, तो आपको रेडमी नोट 10 प्रो का आपको देखने को मिल जाएगा 17,999। वही बात कर ले मी 11 लाइट का, तो आपको 18,999। थोड़ा प्राइस में यहाँ पर डिफरेंट आपको देखने को मिल जाए, बट उतना भी नहीं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं दोनों का डिफरेंट और क्या सिमिलर देखने को मिल जाए। तो बात कर ले परफॉर्मेंस का, चिपसेट का और ग्राफिक्स सीपीयू, तो आपको आर्किटेक्चर और फैब्रिकेशन ये सब आपको दोनों ही फोन में आपको सेम देखने को मिल जाएगा। कुल में स्नैपड्रैगन 732 GB दोनों में ही प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाएगा। और वही बात कर ले ग्राफिक्स का, रैम का 618 देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले फ्रेंड्स आपको इसका रैम टाइप का, तो आपको दोनों ही सेम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले फ्रेंड्स डिस्प्ले में, तो आपको डिस्प्ले में थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिल जाएगा रेडमी नोट 10 प्रो का थोड़ा सा, बट उतना भी नहीं देखने को मिलेगा। वही बात कर ले आपको रेडमी नोट 10 प्रो में आपको 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा, और यहाँ पर मी 11 लाइट में आपको देखने को मिल जाएगा 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ। वही बात कर ले ब्राइटनेस का, तो आपको उसमें रेडमी नोट 10 प्रो में देखने को मिल जाएगा 1200 nits, और वही बात कर ले इसमें मी 11 लाइट में आपको 800 nits देखने को मिल जाएगा। और सब आपको सिमिलर डिस्प्ले में आपको फीचर देखने को मिल जाएगा, पंच होल डिस्प्ले इसमें भी देखने को मिल जाएगा और पंच होल इसमें भी देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले फ्रेंड्स आपको एस्पेक्ट रेशियो दोनों का ही सेम देखने को मिल जाएगा, और ये और सब सिमिलर आपको देखने को, कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। वही बात कर ले फ्रेंड्स आपको कैमरा में, तो आपको रेडमी नोट 10 प्रो में आपको देखने को मिल जाएगा क्वाड कैमरा सेटअप। और ही बात कर ले दोस्तों मी 11 लाइट में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों में ही 64 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। बस इसमें आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, रेडमी नोट 10 प्रो में आपको 2 MP का डेप्थ कैमरा खाली आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, और कुछ ज़्यादा नहीं। दोनों का फोटो अगर करते हैं क्लिक, तो आपको दोनों का ही सेम आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा ही चेंज नहीं देखने को मिलेगा। वही बात कर ले दोस्तों बैटरी का, तो आपको एक बिग बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा रेडमी नोट 10 प्रो में, और वही मी 11 लाइट में आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको रेडमी नोट 10 प्रो में आपको 5020 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले मी 11 लाइट में आपको 4250 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से ये देख सकते हैं आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, और फ्रंट कैमरा भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका बेस्ट फोन कौन सा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्त।